Hey guys, मैं संदीप आप देख रहे हो इंग्लिश टर्न। गाइस आज मैं आप सबको दो बाइक के अंदर कंपेयर करके दिखाने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक है बजाज प्लैटिना 110 HGR PS6 और दूसरा है हीरो पैशन प्रो 110 PS6। तो चलिए देख लेते हैं कि इस दोनों बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। दोस्तों पैशन प्रो BS6 को एक नया लुकिंग स्टाइल एंड डिजाइन के साथ मार्केट पे लॉन्च किया गया है। जैसा आप देख रहे हो आपके सामने है, इसका डिजाइन काफी नाइस है। दूसरी ओर प्लैटिना को देखा जाए तो BS6 के साथ इसकी आउटलुकिंग पे कोई भी चेंजेस देख नहीं पाओगे, लेकिन डिजाइन काफी नाइस देख पाओगे। इन दोनों बाइक की डिजाइन की कंपेयर किया जाए तो पैशन प्रो का ज्यादा बेस्ट एंड स्टाइलिश डिजाइन देख पाओगे। पैशन की जो हेडलाइट की डिजाइन है, यहाँ पे एक नया मॉडल की हेडलाइट देख पाओगे और यहाँ पे हैलोजन बल्ब देख पाओगे। दूसरी ओर प्लैटिना की हेडलाइट को देखो, यहाँ पे भी काफी नाइस हेडलाइट की डिजाइन देख पाओगे, लेकिन ये भी हैलोजन बल्ब है। हेडलाइट की डिजाइन पे पैशन प्रो ज्यादा बेस्ट है। पैशन के सामने की जो सस्पेंशन है, यहाँ पे आप टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देख पाओगे। दूसरी ओर प्लैटिना की जो सामने की सस्पेंशन है, यहाँ पे आप हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक टाइप 135mm ट्रैवल सस्पेंशन देख पाओगे। पैशन की जो फ्रंट टायर की साइज है, यहाँ पे आप 2.7518 का ट्यूबलेस टायर देख पाओगे। दोस्तों ट्यूब टायर का जमाना करीबन खत्म हो चुका है, तो ट्यूबलेस टायर ही यहाँ पे देख पाओगे। प्लैटिना का भी सामने की टायर की जो साइज है, यहाँ पे आप 80/117/47P ट्यूबलेस टायर देख पाओगे। पैशन के सामने की ब्रेकिंग पे ऑप्शनल ब्रेकिंग देख पाओगे, यहाँ पे आप 130mm का ड्रम ब्रेक देख पाओगे। दूसरी ओर प्लैटिना का भी आप फ्रंट पे ऑप्शनल ब्रेकिंग देख पाओगे, यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक की साइज है 240mm। दोस्तों 110cc की बहुत कम मॉडल की बाइक है जिसपे डिस्क ब्रेक यूज किया जाता है। पैशन की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, यहाँ पे आप 11 लीटर की कैपेसिटी देख पाओगे और दूसरी ओर प्लैटिना की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है, यहाँ पे भी आप 11 लीटर ही देख पाओगे। पैशन की मीटर कैपेसिटी देखो, यहाँ पे एक नया लुकिंग के साथ मीटर कैपेसिटी देख पाओगे। यहाँ पे स्पीड मीटर एनालॉग, बाकी सब डिजिटल देख पाओगे। दूसरी ओर प्लैटिना की देखो, यहाँ पे स्पीड मीटर एनालॉग है, बाकी सब डिजिटल है। मीटर कैपेसिटी पे दोनों बाइक पे डिजाइन को छोड़ के बाकी सब सेम देख पाओगे। पैशन की जो इंजन है, यहाँ पे आप एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OAC 113.2cc का इंजन देख पाओगे। इसकी मैक्स पावर है 9.14 PS 7500 RPM, मैक्स टॉर्क इसकी 9.79 Nm 5000 RPM। BS6 FI के साथ की कैन सेल्फ अवेलेबल है इस बाइक पे। दूसरी ओर प्लैटिना के इंजन को देखो, यहाँ पे आप 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 115.45cc का इंजन देख पाओगे। इसकी मैक्स पावर है 6.3 kW, 8.6 PS 7000 RPM, मैक्स टॉर्क इसकी 9.81 Nm 5000 RPM। की कैन सेल्फ के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन बाइक है। पैशन की पीछे की सस्पेंशन को देखो, यहाँ पे आप स्विंग आर्म विथ 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन देख पाओगे। दूसरी ओर प्लैटिना के पीछे की सस्पेंशन को देखो, यहाँ पे आप 110mm का व्हील ट्रैवल SOS सस्पेंशन विथ नाइट्रोक्स गैस कैनिस्टर सस्पेंशन देख पाओगे। पैशन की पीछे की टायर की साइज पे आप 3.0018 का ट्यूबलेस टायर आप देख पाओगे। वही आप प्लैटिना पे 80/117/53P ट्यूबलेस टायर आप देख पाओगे। दोस्तों दोनों बाइक की करीबन सभी पार्ट्स पे डिफरेंट देखने को मिलता है हमें। पैशन की बैकलाइट की डिजाइन को देखो, यहाँ पे एक नया लुकिंग के साथ बैकलाइट की डिजाइन बनाया गया है। यहाँ पे आप बल्ब देख पाओगे, कोई भी LED यूज नहीं किया गया है यहाँ पे। प्लैटिना की बैकलाइट की डिजाइन को देखो, यहाँ पे भी काफी नाइस बैकलाइट की डिजाइन देख पाओगे और यहाँ पे भी बल्ब यूज किया गया है। पैशन के पीछे की ब्रेकिंग पे कोई भी ऑप्शनल ब्रेकिंग आप देख नहीं पाओगे। इसकी पीछे की ड्रम ब्रेक की साइज है 130mm। दूसरी ओर प्लैटिना का भी पीछे पे आप कोई भी ऑप्शनल ब्रेकिंग देख नहीं पाओगे। यहाँ पे भी ड्रम ब्रेक यूज किया गया है 110mm का CBS ब्रेकिंग सिस्टम। पैशन की व्हील बेस है 1270mm, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 180mm। दूसरी ओर प्लैटिना की व्हील बेस है 1255mm, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 200mm। दोस्तों इन दोनों बाइक की सारी पार्ट्स को मैंने पार्ट पार्ट करके डिफरेंट करके डिटेल्स में आप सबको दिखाया। दोनों के दोनों बाइक ही अपने अपने जगह पे एकदम बेस्ट बाइक है। दोनों बाइक ही BS6 मॉडल का बाइक है 110cc का। लेकिन दोस्तों इन दोनों में से पैशन का थोड़ा सा माइलेज कम है, इसकी कीमत थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी इंजन पावर थोड़ा सा कम है। दूसरी ओर प्लैटिना पे आप पाओगे इसकी इंजन पावर थोड़ा सा ज्यादा है, इसकी माइलेज थोड़ा सा ज्यादा है और इसकी कीमत भी पैशन के मुकाबले थोड़ा सा कम है। दोनों बाइक ही फुल फैमिली बाइक है, लेकिन इन दोनों बाइक में से कौन सा बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकता है, उसके लिए मैं कोई भी आइडिया आपको नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से दोनों बाइक ही बेस्ट है, लेकिन आप कौन सा बाइक खरीदना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।